मिठाई सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन लंबा लंबा समय किचन में लग जाता है मिठाइयाँ बनाने में, उससे हम सभी घबरा जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 7-8 मिनट में बनने वाली, बाजार की मिठाई को भी मात दे दे ऐसी मिठाई, जो बहुत ही कम सामान से कम समय में फटाफट बन जाती है। और अगर एक बार आपने ये मिठाई बना ली और सबको खिलाई, तो समझ लीजिए आपके घर में लगातार ये मिठाई बना करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल दिल खुश मिठाई। सबसे पहले आप गैस पर चलाइए एक कढ़ाई या पैन, गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुद्ध घी। आप जो भी यूज करते हैं, कोई भी ऑयल या क्लैरिफाइड बटर, कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। घी मेल्ट हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे और ये मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क। और फ्लेम को लो करते हुए यहाँ मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ही इजीली बाजार में मिल जाता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं मिल्क पाउडर धीरे धीरे करके इसमें डालूंगी और लगातार हम चलाएंगे, वरना आपकी मिठाई थोड़ी कड़क हो जाएगी अगर आपने हाई फ्लेम पे किया। लो फ्लेम पर रख करके धीरे धीरे मिक्स करते जाइए मिल्क पाउडर को, इससे लम्स भी नहीं बनेंगे और पूरा मिल्क पाउडर एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह तैयार होगा। और अच्छी तरीके से मैंने मिल्क पाउडर को मिक्स कर दिया है, फ्लेम बिल्कुल अभी लो है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी का पाउडर। चीनी को पीस करके मैंने पाउडर बना लिया था, तो ये मैं डाल रही हूँ 3/4 कप। आप मीठा कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, चीनी भी डाल सकते थे पर मेल्ट होने में टाइम लगता। और अब मिल्क पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये देखिए जब आप चीनी को डालेंगे उसके कुछ ही सेकंड्स में ये इस तरीके का पतला आपको लगने लगेगा। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको लगभग 5 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ 3-4 इलायची को मैंने क्रश कर लिया था उसका पाउडर। अगर आप इलायची फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इलायची फ्लेवर डालें, केसर चाहे तो केसर भी डाली जा सकती है, या फिर आप यहाँ पर रोज वाटर भी डाल सकते हैं यानी रोज एसेंस, अगर आप रोज वाली पसंद करते हैं मिठाई। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये देखिए मिक्स कितना बढ़िया हमारा तैयार हो गया। और ये देखिए बस अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और ये अब कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर रही है। ये देखिए अभी थोड़ा सा और कुक करेंगे। मैं एक इसमें टिप्स देना चाहूंगी, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि हमें अभी कितनी और इसको ड्राई करना है या कितना इसको पतला रखें, तो आप क्या करें, एक प्लेट लीजिए, प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाइए इस तरीके से और थोड़ा सा हम जो मिक्स बना रहे हैं इस पर डालेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से इसकी गोली सी बन रही है ऐसा करने से, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये चिपके और इसकी गोली सी नहीं बने इसका मतलब आपको और कुक करना है, लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये तैयार हो गया है। ये कढ़ाई को भी छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा इससे थिक हमें नहीं करना है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम लेंगे कोई भी स्टील की प्लेट या ये बर्फी वाली जो ट्रे होती है आप वो भी ले सकते हैं, अगर चाहे तो आप कोई भी प्लेट ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा घी लगाते हैं और अच्छी तरीके से ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। तो चलिए ट्रे में कर लेते हैं पूरे बेस को ट्रांसफर। और अब हम एक स्पैटुला या चम्मच की मदद से धीरे धीरे इसको फैलाएंगे। बहुत ही कम समय लगा है, सिर्फ 6-7 मिनट में ही ये तैयार हो गई। तो ये लीजिए मैंने इसको कर दिया है पूरा सेट। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं अपने मन के कोई भी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम, आपको जो भी लाइक करते हैं ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर वो लगा दें, या फिर आप चांदी का बर्क भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगा दिए हैं, हल्का सा प्रेस कर देते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए अब मैं रख देती हूँ इसको इसी तरीके से सेट होने के लिए। गर्मी बहुत है और आपको अगर हो जल्दी तो आप कुछ मिनट के लिए इसे फ्रिज में, सिर्फ फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में आप इसको रख दें तो ये फटाफट से सेट हो जाएगी। मैं इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और देखिए कुछ ही मिनटों में बर्फी बिल्कुल हमारी सेट हो गई है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं स्क्वायर पीसेस में कट। और अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी
बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिल्क बर्फी बनी है, इसीलिए इसका नाम है दिलखुश बर्फी। क्योंकि आपको भी लगा समय कम, आप भी हो गए खुश और टेस्ट इतना कि सबका दिल खुश हो जाए। बहुत ही बढ़िया, किसी भी पार्टी में, इफ्तार पार्टी में भी आप इसको सर्व करिए। बहुत ही जल्दी बन जाती है, एक कंटेनर में बनने के बाद आप इसको बंद करके रख दें, आराम से फ्रिज में 1 वीक ये चल जाती है। तो बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको एक और ये दिखाती हूँ उठाकर, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनी है, बहुत ही बढ़िया ग्लेज और एकदम परफेक्ट टेक्सचर की। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है आपकी सिर्फ 7 मिनट में इतनी बढ़िया दिल खुश बर्फी। और ये देखिए मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया बनी है अंदर से, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बेहद स्वादिष्ट, जरूर जरूर ट्राई करने वाली रेसिपी है ये मिल्क बर्फी। बहुत ही बढ़िया बनी है, इनका स्वाद इतना अच्छा है कि आप एक उठाएंगे तो दूसरा उठाए बगैर रह नहीं पाएंगे। और आराम से आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं और जब मन चाहे तब आप एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज ये क्विक और इंस्टेंट दिल खुश बर्फी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।